साथियों संकरा डिफेंस एकेडमी हिसार जो आज 17 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट था उसके अंदर जो हमारा बच्चा एक नेवी के अंदर जिसका सिलेक्शन हुआ है वो बच्चा आया हुआ है, उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, उनसे मिलवाते हैं। संदीप सर, आज का टेस्ट चल रहा है जो बच्चों का, कैसा टेस्ट? अच्छा चल रहा है, बच्चे अभी चल रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं और आधा घंटा टेस्ट में रह गया है। इस दौरान हम आपको मिलवाते हैं हमारे लवप्रीत इंडियन नेवी के एक स्टूडेंट से जो भर्ती है, पोस्टेड है मुंबई में, अभी उसके पेरेंट्स भी आए हैं, उनसे मिलवाऊंगा। और याद भी रखिएगा 1 मई को प्लस वन में एडमिशन के लिए टेस्ट है, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं लवप्रीत से, लवप्रीत से मिलते हैं। ये है लवप्रीत, आप देख रहे होंगे ब्लैक टी शर्ट में, इनके पेरेंट्स भी हैं हमारे साथ में। और डायरेक्टर साहब इस स्टूडेंट को अभी सम्मानित करेंगे क्योंकि इसका हक है ये, लवप्रीत का। इनके पेरेंट्स से भी आपको मिलवा देते हैं एक बार, आप भी आ जाओ सर, इधर बीच में आ जाएंगी मम्मी, आप इधर आ जाइएगा थोड़ा। तो पहले तो मैं इनके जो पेरेंट्स है दीपक जी, उनसे मिलाता हूँ। दीपक जी नमस्कार। जय हिंद सभी दर्शकों को, बलवान सर को और हमारे जो सीनियर सर हैं उनको भी। मैं दीपक कुमार बेनीवाल गांव मोचीवाड़ी डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से बिलोंग करता हूं। मैंने मेरे लड़के लवप्रीत, मुझे बड़ा बेटा है इसको, डिफेंस एकेडमी तोसाम रोड हिसार को सौंप ही दिया था, मान के चले भाई इनका करियर इन्हीं को बनाना है। उसके बाद में एक साल से ये इंडियन नेवी में भी सफलतापूर्वक जॉब कर रहा है और आज ये छुट्टी आया हुआ था इसलिए माता पिता के साथ आगे इनको इंट्रोड्यूस करा के दोबारा ये सम्मानित किया है सर ने। और साथ के साथ छोटा लड़के है मेरा लवीश, उसको भी अभी इन्होंने नया करियर कोर्स शुरू किया है प्लस वन और प्लस टू यहीं से कराएंगे डिफेंस अकेडमी तोसाम रोड हिसार से। और साथ में डिफेंस की जॉब के लिए आपका जो भी डाउट क्लियर करने हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे, साथ में फिजिकल की तैयारी कराएंगे, ये भी बहुत खुशी की बात है। प्लस वन प्लस टू भी अच्छी तरीके से होगी बच्चे की और साथ में 2 साल एडवांस से तैयारी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप अपने बच्चों के भविष्य की खुद चिंता कम करके इनके ऊपर सौंप दो। प्लस वन प्लस टू के लिए बच्चे को डिफेंस अकेडमी तोसाम रोड हिसार में लाकर उसके भविष्य के उज्ज्वल करने के लिए अपने आप की जिम्मेवारी को भी कम करें और बच्चे का भविष्य भी उज्जवल करें। धन्यवाद सर। चलो लवप्रीत से मिलते हैं भाई, लवप्रीत। जय हिंद दोस्तों, मैं एक साल पहले इधर एकेडमी में आया था और जब से सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया और अभी इंडियन नेवी में अपनी सर्विस कर रहा हूं और अपने छोटे भाई को भी इधर शंकराई डिफेंस एकेडमी में प्लस वन प्लस टू की तैयारी और साथ के साथ डिफेंस की तैयारी के लिए लेकर है। अभी आप किस रैंक में हैं इंडियन नेवी में? सेलर। हाँ सेलर ही है भाई। और कहाँ पोस्टेड हैं आप? मुंबई। मुंबई, अभी कितने दिन की छुट्टी आई है? अभी 30 दिन की छुट्टी आया था मैं। ओके। बढ़िया है जी, बहुत प्राउड लग रहा है मोमेंट हमें, ये बहुत अच्छा है ऐसे बच्चों से खास तौर से जब हम मिलते हैं जो यहाँ से कामयाब होकर गए और ट्रेनिंग करके वापस आते हैं और हमसे मिलने आते हैं, हमें बहुत प्राउड होता है उन बच्चों पे, बहुत खुशी लगती है। बाकी बच्चों से भी मैं यही दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि आप आइए, समय बर्बाद किए बगैर, अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद किए बगैर, जल्दी से जल्दी और बढ़िया से बढ़िया कामयाबी पाइए। मतलब बढ़िया से मेरा है कि अगर आप वाई ग्रुप के लायक हैं, एक्स के लायक हैं या ऑफिसर के लायक हैं, जो भी आपके अंदर पोटेंशियल होगा उसको हम निकाल के आपको वो कामयाबी दिलाएंगे। धन्यवाद। प्लस वन प्लस टू इसीलिए हमने शुरू किया है ताकि 2 साल आप हमारे पास रहें और आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको हम निखार पाएँ और आपको बढ़िया से बढ़िया कामयाबी दिला पाएँ जल्दी से जल्दी। प्लस टू करते ही आप पहली भर्ती में भर्ती हो जाएंगे, ये हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू। लवप्रीत से आप मिले, उनके पेरेंट्स से मिले, डायरेक्टर साहब से मिले, बलवान सर से, मेरे से तो आप हर वीडियो मिलते ही हैं। तो लवप्रीत अपने चला जाएगा अभी छुट्टी काट के, वापस अपने छोटे भाई को छोड़ के जा रहा है। अभी 17 अप्रैल है आज, प्लस टू एंट्रेंस एग्जाम स्कॉलरशिप अभी चल रहा है और मत भूलिएगा 1 मई
जी हाँ, 1 मई को, आज से ठीक 13-14 दिन बाद प्लस वन का एंट्रेंस स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें जो बच्चा 80% से अबव स्कोर करेगा उसके लिए एक स्कॉलरशिप वेट कर रही है। हम विश्वास रखते हैं स्टडी के साथ में फौजी बनाने के लिए, और उस दिन भी संडे है, साहब ने मुझे अभी बताया। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए, इसको थोड़ा सा लाइक करिए, शेयर करिए, और उन आपके काम की हो सकता ना हो लेकिन आप शेयर करेंगे तो किसी न किसी के तो ये काम जरूर आएगी। तो बहुत बहुत, और एड्रेस हाँ, तो शाम रोड पे आप आइएगा, शांति निकेतन कॉलेज के अंदर हैं, गूगल चाचा से पूछिएगा वो बता देगा आपको, हिसार में है। ठीक है, और अपने पेरेंट्स को भी आपको साथ लेके आना है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।